आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंशिएट करने के तरीके। मैं इस वीडियो में आपको साथ के साथ कंपाउंड का एग्जांपल भी दूंगा और वो टेस्ट कहां कहां यूज होता है वो भी बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर आप डेफिनेट किसी भी एग्जाम का, मतलब 12th से लेकर नीट जेई आरपीसी फर्स्ट ग्रेड किसी भी एग्जाम का एक क्वेश्चन डेफिनेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इथीन और इथाइन में डिफरेंस कैसे करेंगे। तो जो इथाइन है उसमें वन पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है और अगर वन आइन हो तो टॉलेंट टेस्ट देता है। टॉलेंट टेस्ट का मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सिल्वर प्रेसिपिटेट आ गया। टॉलेंट टेस्ट इसके अलावा और कौन देगा, वन आइन देते हैं, वन आइन के अलावा सारे एल्डिहाइड देते। एसिड में सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही ये टेस्ट देगा क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फोर्थ एग्जांपल, सारे कार्बोहाइड्रेट देंगे केवल एसएससी को छोड़कर। एसएससी का मतलब है स्टार्च, सुक्रोज और सेलुलोज। और फिफ्थ हेमीएसिटल, हेमीएसिटल भी टॉलेंट टेस्ट देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है इथेन और इथीन में डिफरेंस करो। तो इथीन जो है वो एल्कलाइन KMnO4 के साथ में टेस्ट देगा। सारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड, सारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है वो एल्कलाइन KMnO4 और ब्रोमीन वाटर का या ब्रोमीन इन CCl4 का कलर उड़ा देगा, मतलब डिक्लराइज कर देगा। तो इथीन एल्कलाइन KMnO4 का रंग उड़ा देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में डिफरेंस करो। इसका आंसर होगा AgNO3। अब बच्चे पूछेंगे क्यों, तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। अगर क्लोरीन कभी भी sp3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो AgNO3 के साथ में AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर ब्रोमीन होती तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट और आयोडीन होती तो AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और फोर्थ क्वेश्चन है एथेनॉल और वन प्रोपेनॉल में डिफरेंस करो। नहीं, एथेनॉल और वन प्रोपेनॉल में डिफरेंस करो। इसका आंसर है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म एथेनॉल के साथ होगा। अब आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों कौन देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट मैं आपको बताता हूं। एक एथेनॉल कंपाउंड देता है, दूसरा एथेनॉल या एसिटाइल्डिहाइड देता है, तीसरा जिसके भी नाम में टू ऑल लगा हो, मतलब टू प्रोपेनॉल, टू ब्यूटेनॉल, टू पेंटेनॉल, और जिसके नाम में टू ऑन लगा हो, टू ब्यूटेनॉन, टू पेंटेनॉन, टू हेक्सेनॉन, ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो एथेनॉल हमको देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, वो हमसे कहता है वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल में डिफरेंशिएट करो। तो हमने देखते ही पहचान लिया कि टू प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन में डिफरेंशिएट करो। तो हमने देखते ही पहचान लिया कि वन ब्यूटाइन के साथ में दो टेस्ट होते हैं, एक टॉलेंट टेस्ट और एक अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में वन आइन हमेशा रेड प्रेसिपिटेट देती। ये दो ही टेस्ट। हम चलते हैं सेवेंथ पर, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाइल्डिहाइड में डिफरेंस करो। तो हमने देखते ही पहचान लिया कि एसिटाइल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एथेनॉल एसिटाइल्डिहाइड टू ऑन टू ऑल। हमने देखा एट्थ क्वेश्चन की, एट्थ क्वेश्चन में हमने देखा ये प्रोपेनॉल है मतलब एल्डिहाइड और ये एसिटाइल्डिहाइड है, ठीक है ना, या एथेनॉल। तो हम देखते ही पहचान गए कि एसिटाइल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, एथेनॉल और प्रोपेनॉन। तो एथेनॉल एक एल्डिहाइड है और सारे एल्डिहाइड हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं टॉलेंट टेस्ट देता है। तो हम चलेंगे अब टेंथ क्वेश्चन की तरफ।
टेंथ क्वेश्चन में हम देख सकते हैं वो हमसे कहता है प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन और एसिटोफिनोन में डिफ्रेंशिएट करो, तो सोडियम बाइसल्फाइड इसका आंसर होगा। अब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कौन कौन टेस्ट देता है, तो बच्चों सारे एल्डिहाइड और सारे टू ऑन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में टेस्ट देते हैं, जिसमें से SO2 की फर्वेसेंस निकलती है, लेकिन कभी भी एरोमेटिक कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। तो प्रोपेनॉन के साथ में सोडियम बाइसल्फाइड SO3 की फर्वेसेंस देगा, लेकिन एसिटोफिनोन के साथ में ये टेस्ट नहीं आएगा। अब हम चलते हैं 11th टेस्ट की तरफ। हमारे पास एक बेंजोफिनोन है और एक एसिटोफिनोन, तो बेंजोफिनोन ये टेस्ट नहीं देगा आइडोफॉर्म, क्योंकि ये टू ऑन नहीं है, जबकि एसिटोफिनोन में बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 अटैच होता है, इसलिए COCH3 जिसमें भी होगा मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब हम चलते हैं 12th की तरफ, इथाइल एसिटेट और मिथाइल एसिटेट। तो बच्चों इथाइल एसिटेट और मिथाइल एसिटेट का कोई भी डायरेक्ट टेस्ट नहीं है, लेकिन जब हम इथाइल एसिटेट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके इथाइल पार्ट से हमें इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा, और जबकि इसके पार्ट से हमें मिलेगा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13th प्रॉब्लम की तरफ, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में भी एल्डिहाइड ग्रुप है, और बच्चा यहां पर देखकर फंस जाएगा और वो इसका आंसर टॉलेंट टेस्ट कर देगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंट टेस्ट देता है, इसलिए हम यूज करेंगे फॉर्मिक एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में सारे एसिड मतलब जिसमें भी COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो CO2 की इफर्वेसेंस देता है, या फिर कोई भी एसिड का सॉल्ट, जैसे हमने अमीन और HCl की रिएक्शन करा ली तो NH3Cl बन जाएगा, वो भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में HCl की वजह से CO2 की इफर्वेसेंस देगा। अब बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अल्कोहल और फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में फर्वेसेंस नहीं देते हैं, ये ही जनरली आता है। अब हम चलते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की तरफ, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से टॉलेंट टेस्ट देगा। अब हम चलेंगे 15th प्रॉब्लम की तरफ, फिनॉल। फिनॉल के साथ में न्यूट्रल FeCl3, फिनॉल के साथ में न्यूट्रल FeCl3 वायलेट कलर देता है, या बच्चों आप याद रखो जब भी OH बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ में कलर आएगा, तो हमारा क्रिसॉल भी देगा, सेलिसाइक्लिक एसिड भी देगा, पिक्रिक एसिड भी देगा, क्रिसॉल भी देगा, और जितने भी कंपाउंड बेंजीन रिंग वाले जिसमें OH लगा होगा बेंजीन रिंग से वो टेस्ट देगा, और एसिटिक एसिड भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ में रेड कलर देता है। इसका एक आंसर और भी बच्चों हो सकता है एनिलीन, ठीक है ना। एनिलीन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्राइमरी अमीन है, इसलिए ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी देगा। जब हम एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में कराएंगे तो हमें आइसोसाइनाइड की बैड स्मेल आएगी। हम चलते हैं 16th प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों हमने देखा फिनॉल, तो अभी अभी हम करके चुके हैं, फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ में वायलेट कलर देगा, जबकि बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 के फर्वेसेंस देगा, तो इसके भी आंसर दो हो सकते हैं। यहाँ न्यूट्रल FeCl3 हमने यूज क्यों नहीं किया कि बेंजोइक एसिड बफ कलर देता है और बेंजोइक एसिड न्यूट्रल FeCl3 के साथ में बफ कलर देता है और फिनॉल वायलेट कलर देता है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया है। अब हम चलते हैं नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन में।
नाइट्रोबेंजीन मुलिकन बार्कर टेस्ट देता है जो नाइट्रोबेंजीन का स्पेसिफिक टेस्ट है, जबकि एनिलीन का टेस्ट हम अभी अभी कर चुके हैं या मैंने आपको बताया है कि एनिलीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में आइसोसाइनाइड और कार्बाइलेमीन रिएक्शन देता है जिसमें बहुत ही बैड ऑर्डर आती है। अब हम चलेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। तो 2 पेंटेनॉन बच्चों हमने अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि सारे 2-ON, 2-ALL, एथेनॉल और एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो 2 पेंटेनॉन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये 12th की बुक का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 2 ब्यूटेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल में हमको करना है डिफरेंस। तो हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिस भी कंपाउंड में 2 पोजीशन पर OH लगा होगा वो हमको आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। हम चलेंगे 20th प्रॉब्लम की तरफ। मिथेनॉल और एथेनॉल में डिफरेंस करना है तो एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। मैं बच्चों आपको एक मिथेनॉल का और टेस्ट बताता हूं। जब हम मिथेनॉल को सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ में गर्म करते हैं तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनता है जिसमें से आयोडेक्स की स्मेल आती है। ये फर्स्ट ग्रेड और JEE के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, मेथेनॉल सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ में ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाता है जिसमें से आयोडेक्स की स्मेल आती है। अब हम चलेंगे 21 नंबर प्रॉब्लम पर। यह है एक्रोलीन। एक्रोलीन की स्ट्रक्चर होती है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO और प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर होती है प्रोपेनॉल की क्या CH3 CH2 CHO। तो दोनों ही एल्डिहाइड हैं तो हम टॉलेंस फेलिंग टेस्ट का यूज नहीं कर सकते, पर क्योंकि एक्रोलीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए हम एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट कराएंगे। तो एल्कलाइन KMnO4 या बेयर्स रिजेंट का कलर डिक्लराइज हो जाएगा। अब चलते हैं 22 प्रॉब्लम की तरफ। 22 प्रॉब्लम कहती है एसिटिक एसिड और फिनॉल में डिफ्रेंशिएट करो। तो हम जानते हैं एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में एफर्वेसेंस देता है और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है। हम यहाँ पर न्यूट्रल FeCl3 भी यूज कर सकते थे क्योंकि फिनॉल रेड वायलेट कलर देगा और एसिटिक एसिड रेड कलर देगा, पर अगर कलर हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो फिर ये टेस्ट काम नहीं आएगा। तो इसका अच्छा आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में सारे एसिड इफर्वेसेंस देते हैं। हम चलते हैं तो हम डिस्कस करते हैं 23 प्रॉब्लम, और 23 प्रॉब्लम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मिथेनॉल गिव विंटर ग्रीन ऑयल विद सैलिसाइक्लिक एसिड जो मिथाइल सैलिसिलेट की वजह से बनता है। अब मैं आपको कुछ टेस्ट और बताता हूं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम पढ़ रहे हैं। मुलिकन बार्कर टेस्ट जो मैं बता चुका हूं कि नाइट्रोबेंजीन का सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र टेस्ट है। जब हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो पहले हमको हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है और जो टॉलेंस रिजेंट के साथ में ग्रे ब्लैक प्रेसिपिटेट देती है। पर बच्चों जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोबेंजीन कौन सा टेस्ट देगी। हम पढ़ रहे हैं लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट फिनॉल का टेस्ट है और ये मोस्टली एग्जामों में बहुत कम आता है। अगर आ भी गया तो इसमें कलर का सीक्वेंस पूछा जाता है कि फिनॉल का कलर का सीक्वेंस क्या होता है। तो बच्चों इसके कलर का सीक्वेंस होता है GRB। GRB का मतलब है ग्रीन रेड ब्लू, मतलब पहले ग्रीन कलर आएगा फिर रेड कलर आएगा फिर ब्लू कलर आएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जब हम फिनॉल और एनिलीन किसी की भी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराते हैं
तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी के साथ। तो जब हम फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो हमें 3 ब्रोमीन लगने की वजह से दोनों में ही व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ रहे हैं जो एस्टरीफिकेशन है और हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब भी हम किसी एसिड और अल्कोहल के आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें एस्टर मिलता है और एस्टर की फ्रूटी स्मेल आती है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अल्कोहल का H और एसिड का OH जाता है, ठीक है ना। एसिड तो क्या देगा, एच, और अल्कोहल क्या देगा, ओ एच। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट। हम चल रहे हैं लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव में आ सकते हैं, 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाई यूरेट टेस्ट। बाई यूरेट टेस्ट यूरिया का टेस्ट है और जब हम यूरिया को कॉपर सल्फेट और KOH के साथ में गर्म करते हैं तो हमें येलो कलर का बाई यूरेट मिलता है जिसको हम बाई यूरेट टेस्ट देते हैं। पर बच्चों आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, यूरिया कॉपर सल्फेट और KOH के साथ में येलो कलर देता है बाई यूरेट फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट टेस्ट का नाम है जेंथोप्रोटोनिक टेस्ट और जेंथोप्रोटोनिक टेस्ट प्रोटीन का स्पेसिफिक टेस्ट है। जब हम प्रोटीन की रिएक्शन HNO3 से करते हैं तो प्रोटीन येलो हो जाती है और जब उस येलो प्रोटीन की रिएक्शन NH4OH से कराते हैं NH4OH से कराते हैं तो ऑरेंज कलर आ जाता है। मतलब अगर हम किसी बच्चे को HNO3 के ड्रम में डुबो दें तो उसकी स्किन येलोइश हो जाएगी और फिर जब उस बच्चे को दूसरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ड्रम में डुबो दें, क्योंकि स्किन प्रोटीन की बनी हुई है, तो वो ऑरेंज होकर उसमें से निकलेगा। नेक्स्ट टेस्ट का नाम है सेलिविनॉफ टेस्ट और सेलिविनॉफ टेस्ट फ्रक्टोज का स्पेसिफिक टेस्ट है। ये 1990 में नीट के एग्जाम में आया था। अब लास्ट टेस्ट पढ़ने वाले हैं निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट प्रोटीन का स्पेसिफिक टेस्ट है। जब हम प्रोटीन की रिएक्शन निनहाइड्रिन रिजेंट के साथ में कराते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है और एक प्रोटीन ऐसी है जो ये टेस्ट नहीं देती है और उसका नाम है प्रोलिन। ये फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए और बायो वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये बायो से रिलेटेड। हम चलेंगे स्विफ्ट टेस्ट की तरफ। पहले देखेंगे स्विफ्ट टेस्ट होता क्या है और देता कौन। तो हम क्या करते हैं, पैरा रोजे एनिलीन नाम की डाई को लेते हैं और उस डाई का कलर SO2 से उड़ा देते हैं। SO2 के साथ में खास बात यह है कि अकेला रिजेंट है जो रिडक्शन से किसी का कलर उड़ा देता है। और जब रिडक्शन से कलर उड़ता है तो जैसे ही हम एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं उसका कलर वापस से रीअपियर हो जाता है। मतलब SO2 से अगर हम अपने बालों का रंग उड़ा लें और जैसे ही हम एयर में आएंगे तो एयर से रिएक्ट करके हमारे बालों का कलर रीस्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पैरा रोजे एनिलीन को SO2 से डिक्लराइज करके उसका ऑरेंज या पिंक कलर उड़ा दिया। अब जैसे ही उस कलरलेस सॉल्यूशन में हम एल्डिहाइड को डालेंगे तो एल्डिहाइड उसके पिंक कलर को वापस से रीस्टोर कर देगा। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा रिजेंट कौन सा कंपाउंड सिर्फ पैरा रोजे एनिलीन डाई के कलर को रीस्टोर करेगा, तो एल्डिहाइड। यहीं पे मैं तुमको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो फैलिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन एक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता और वो है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं टेस्ट ऑफ मिथेनॉल की तरफ। तो मैं ऑलरेडी आपको भी बता चुका हूँ कि मिथेनॉल क्या करता है। जब हम सैलिसिलिक एसिड के साथ में मिथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो मिथाइल सैलिसिलेट बन जाता है जिसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में से आयोडेक्स की स्मेल आती है। मिथेनॉल का दूसरा टेस्ट है कि जब हम मिथेनॉल को रेड हॉट कॉपर के ऊपर से गुजारते हैं तो
फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल आने लगती है, मतलब फॉर्मेलिन की स्मेल आती है। नेक्स्ट टेस्ट का नाम है ल्यूकास टेस्ट, और ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है। ल्यूकास रिजेंट होता क्या है, ZnCl2 और HCl कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिजेंट से कराते हैं तो OHCl से रिप्लेस हो जाता है और Cl का वाइट प्रेसिपिटेट आता है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल इसके साथ बहुत देर में या एक घंटे बाद रिएक्ट कर पाता है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ल्यूकास रिजेंट के साथ में गर्म करते हैं तो OHCl से रिप्लेस हो जाता है और 5 मिनट बाद ही हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल के साथ में कराते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल हमको इमीडिएट वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, ठीक है ना। तो ल्यूकास टेस्ट से हम डिफ्रेंशिएट के काम में लेते हैं। यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट बताता हूं कि जब प्राइमरी अल्कोहल को सैरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में गर्म करते हैं तो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट हमको रेड कलर देता है, ओके। तो ल्यूकास टेस्ट फिर से, प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिजेंट के साथ 1 घंटे बाद वाइट प्रेसिपिटेट, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट बाद वाइट प्रेसिपिटेट, और टर्शियरी अल्कोहल हमको इमीडिएट वाइट प्रेसिपिटेट देता है। हम चलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट की तरफ। हिंसबर्ग टेस्ट से हम अमीन्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। C6H5SOCl2 को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं और इसी को हिंसबर्ग रिजेंट कहते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर यह होती है, ठीक है ना। यह स्ट्रक्चर गलत है, Cl यहां जाकर जुड़ेगा। अब कैसे रिएक्शन करेगा, जब हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो जाता है और हमको ये कंपाउंड मिल जाता है, क्योंकि अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन और है। तो जब हम इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं तो K जाकर N से लग जाता है, जो एक आयोनिक कंपाउंड है, और ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। तो जब हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिजेंट से कराकर KOH से कराते हैं तो बना हुआ कंपाउंड सोल्यूबल हो जाता है। जब हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि सेकेंडरी अमीन में एक ही एच होता है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाता है, एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही रिप्लेस हो जाएगा। अब जब हम आगे इसकी रिएक्शन KOH से कराएंगे तो इसका OH इस H के साथ है ही नहीं, तो रिएक्ट कहां से करेगा। तो फर्दर सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम टर्शियरी अमीन से ये रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि टर्शियरी अमीन में एक भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं होता है, तो टर्शियरी अमीन इनिशियली ही ये रिएक्शन नहीं देगा। तो हिंसबर्ग टेस्ट के साथ में प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करके फिर KOH से रिएक्ट करके वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी अमीन वाला सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एच नहीं है और टर्शियरी अमीन हिंसबर्ग रिजेंट के साथ ही रिएक्ट नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट का नाम है विक्टर मेयर टेस्ट, और विक्टर मेयर टेस्ट सिर्फ अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है। अब कैसे आता है, रेड प्राइमरी रेड कलर देगा, सेकेंडरी ब्लू कलर देगा और टर्शियरी कलरलेस देगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम आरबीसी टेस्ट भी कहते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट को आरबीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी रेड कलर, सेकेंडरी ब्लू कलर और टर्शियरी कलरलेस बनाता है। अब देखना, ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और देखने से ये लग रहा है सेकेंडरी अल्कोहल है, इसलिए ब्लू कलर दे। बच्चे इस अल्कोहल में बहुत गड़बड़ करते हैं। इसका नाम है नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल सुनते ही बच्चों को लगता है टर्शियरी होगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए ये रेड कलर देगा। ये है बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए रेड कलर देगा। अब वो पूछेगा आपसे कि मिथाइल अल्कोहल कौन सा कलर देगा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल भी एक प्राइमरी अल्कोहल है तो वो भी रेड कलर देगा, ओके। तो हम चलते हैं
नेक्स्ट टेस्ट में आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एमीन का टेस्ट है और सभी एलिफैटिक और एरोमेटिक ये एमीन ये टेस्ट देती हैं। तो ये देखो NH2 है इसलिए प्राइमरी है, इसमें भी NH2 है इसलिए ये भी प्राइमरी है, ये बेंजाइल एमीन है ये भी प्राइमरी है और ये मिथाइल एमीन है ये भी प्राइमरी है। अगर हम इनमें से किसी भी एमीन के रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराएंगे तो आइसोसाइनाइड की ऑफेंसिव स्मेल बनती है जो बहुत ही गंदी होती है और उस गंदी स्मेल से हम प्राइमरी एमीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर बच्चों अगर दोनों ही प्राइमरी एमीन आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये ट्वेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर दोनों ही प्राइमरी अमीन हो, एक एरोमेटिक हो और एक एलिफैटिक हो, तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट। तो जब हम एक एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन एरोमेटिक एमीन के रिएक्शन HNO2 या NaNO2 से के साथ में कराते हैं तो आप जानते हैं डायोजीनियम सॉल्ट बन जाता है, जबकि एलिफैटिक रिएक्शन ये एलिफैटिक एमीन ये रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन बच्चों अभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है क्योंकि डायोजीनियम क्लोराइड में कलर नहीं होता है। तो जब हम ये टेस्ट कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद इसकी कपलिंग रिएक्शन कराएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम कपलिंग रिएक्शन कराएंगे तो डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराने पर ऑरेंज डाई बन जाती है, जबकि इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ में फिर से एनिलीन के साथ में कराने पर येलो कलर की डाई बन जाती है। और इसका और इम्पॉर्टेंट है, जब हम इस डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल के साथ में कराते हैं तो हमें ऑरेंज डाई मिलती है जो कई बार JEE के एग्जामों में आ चुकी है और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बहुत ही कॉमन एग्जाम है, कॉमन क्वेश्चन है कि जब हम डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से कराते हैं तो इस OH से ऑर्थो पोजीशन पर डायोजीनियम क्लोराइड आकर लग जाता है। यहां पर मैं तुमको एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी सिखाने की, जब हम डायोजीनियम कपलिंग रिएक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं वो हमसे पूछेगा इनमें से कौन कपलिंग रिएक्शन फर्स्ट करेगा। तो बच्चों जब कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं तो जिसमें सबसे बड़ा डोनर ग्रुप लगा होगा वो सबसे पहले डायोजीनियम क्लोराइड के साथ में कपलिंग रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले ONO, फिर NH2, फिर OH और फिर NO2। अब डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी देखते हैं, जब ये Cl यहाँ से हटता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा क्योंकि ये यहाँ से रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों कौन खींचेगा, NO2 और CH3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कपलिंग रिएक्शन में इस डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्टिविटी इनमें सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और सबसे कम CH3 वाला देगा क्योंकि ये डोनर ग्रुप है। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्टिंग्विश करने के तरीके और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में डेफिनेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम देख रहे हैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ में टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 के साथ में वो सारे लोग टेस्ट देते हैं जिसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच हो, नंबर टू जिसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, या सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से OH अटैच हो। तो आप देखो फिनॉल देगा, यस ये हमारा देगा यस, क्योंकि OH है। एसिटिक एसिड रेड कलर देता है और बेंजोइक एसिड बफ कलर देता है, जबकि फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ में वॉयलेट कलर देता है, जो 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कौन टेस्ट देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में सारे एसिड एसिड के सॉल्ट
पिक्रिक एसिड CO2 की इफर्वेसेंस देते हैं और वो CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट से आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अल्कोहल और फिनॉल ये टेस्ट कभी भी नहीं देंगे। तो अगर आप खाली ये लाइन भी याद कर लोगे कि अल्कोहल और फिनॉल ये टेस्ट नहीं देते, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, फॉर्मिक एसिड देगा, यस, क्योंकि ये एसिड है। फिनॉल देगा, नहीं, ठीक है ना। एसिटिक एसिड देगा, यस। अब बच्चों ये देगा क्या? हाँ ये देगा, क्योंकि ये एमीन और HCl का सॉल्ट है और सारे ही इनॉर्गेनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में इफर्वेसेंस दे।